हेलो गाइज, वेलकम टू युवा क्लासेस। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सपोर्ट आर चैनल। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 11 मार्केटिंग, जो कि एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज अगर आप बात करें तो जो प्रोजेक्ट वर्क होता है उसमें कई लोग मार्केटिंग चैप्टर चूज करते हैं और कई लोग जो हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चूज करते हैं, तो उस परस्पेक्टिव से भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान से सुनिए, और अगर आप हमारे लिए कोई भी ज़रूरी वैल्यूबल फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए और हमें बताइए कि हमें किस तरीके की इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि वो जो फीडबैक आप दें उन पर काम जरूर करें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे कि मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले, मार्केटिंग से भी पहले, हमारे लिए जानना क्या जरूरी है कि मार्केट का मतलब क्या होता है, कि मार्केट क्या होती है। तो देखिए, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर ऑफ गुड्स मीट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस। अब इसे समझते हैं, किसी भी चीज़ के बायर यानी खरीदार और बेचने वाले जिस जगह पे मिलते हैं उसे मार्केट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कॉस्मेटिक मार्केट है, तो वहाँ पर क्या होगा, कॉस्मेटिक को खरीदने वाले जाएंगे और कॉस्मेटिक को ही बेचने वाले जाएंगे, राइट। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को ही बेचने वाले अवेलेबल होंगे और इलेक्ट्रॉनिक आइटम को ही खरीदार होंगे। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स होती है, कहीं पर सब तरीके के सामान जो है खरीदे और बेचे जाते हैं। बट एग्जांपल के लिए हमने बताया, जैसे कॉस्मेटिक मार्केट हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो गई, या फिर शादी का सामान जहाँ पे मिलता है, अब जैसे चांदनी चौक दिल्ली में बहुत फेमस है इन सब सामान के लिए, तो अलग अलग मार्केट्स होती हैं आपके पास जिसमें अलग तरीके के गुड्स होते हैं जिनकी बाइंग और सेलिंग होती है। तो मार्केट क्या है, एक ऐसा प्लेस है वेयर बायर एंड सेलर ऑफ गुड मीट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस। Nowadays ये मार्केट कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोई फिजिकल प्लेस होना चाहिए, अब तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मार्केट है। अब जितनी भी आपकी वेबसाइट्स अवेलेबल है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे सेलर्स भी अवेलेबल हैं और खरीदार भी यहाँ पर आ जाएंगे और गुड्स तो हैं ही आपके पास। तो आज के टाइम में ई मार्केटिंग हो गई है ना, सोशल मार्केटिंग जिसे हम लोग स्पेसिफिकली जानते हैं। तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर ऑफ गुड्स मीट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस। इसमें जब हम बात करते हैं बायर्स की, तो यहाँ पर एक्चुअल बायर्स भी होते हैं और पोटेंशियल बायर्स भी होते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पोटेंशियल बायर्स। देखिए, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मुझसे कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, ठीक है ना, वो मेरे पास 4 महीने से पढ़ रहा है, तो वो मेरा स्टूडेंट है। लेकिन अभी मेरे पास कोई ट्रायल लेने आया, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, आप सिर्फ पहली वीडियो देखने आए, अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमेशा के लिए विबा फैमिली के मेंबर बन जाएंगे, यानी आप इस चैनल को जो है गो थ्रू करेंगे और इसी के यूट्यूब जो वीडियोस हैं वो देखेंगे। तो पोटेंशियल बायर्स का मतलब है जो कंपनी के बायर्स बन सकते हैं, है ना, अभी खरीदार बने नहीं है। तो इसमें हम जब बायर की बात करते हैं तो सब बायर्स आते हैं जो खरीदार हैं, जो खरीदते हैं जनरली, और जो खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर मीट करते हैं। तो मार्केटिंग को सीधा पढ़ना नहीं है, पहले मार्केट शब्द, फिर हम ये जानेंगे किन चीजों की मार्केटिंग होती है, यानी किन चीजों की बाइंग और सेलिंग होती है। तो बड़े मजे की बात है कि बच्चों से जब पूछा जाता है, स्टूडेंट से पूछा जाता है, तो जनरली उनका आंसर ये होता है कि मैम गुड्स ऑब्वियसली, है ना। तो हमने यहाँ पे देखा फिजिकल प्रोडक्ट्स होंगी, बट ये रियलिटी नहीं है। आप देखोगे तो आप बहुत सारी चीजें मार्केट कर सकते हो। देखो, फिजिकल प्रोडक्ट तो हमने सुना है, पेन के बायर सेलर होते हैं, नोटबुक के बायर और सेलर होते हैं, शैम्पू भी बेचा और खरीदा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सर्विसेज की, तो आज के टाइम में आप देखिए हेल्थ केयर, जो हॉस्पिटल्स की बड़ी बड़ी ऐड आती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, क्लिनिक्स होती हैं, इनकी बड़ी बड़ी ऐड आती है, तो इसके बेचने वाले भी हैं, इनकी सर्विसेज को खरीदने वाले भी हैं। एजुकेशन का भी आजकल यही हाल हो गया है, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आपको उनकी ऐड देखने को मिलती है। तो वो एडवर्टीजमेंट क्या है, वो इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप हमारी सर्विसेज आके खरीदो और आप बायर बनो उसके, राइट। ऑनलाइन कोई भी ट्रेडिंग होती है, तो दिस इज व्हाट जो आपके पास बेचा जाता है। तो फिजिकल प्रोडक्ट भी मार्केट होते हैं, सर्विसेज भी मार्केट होती है, और मजे की बात है आइडियाज को भी मार्केटेड किया जाता है। अब जैसे कोरोना के टाइम पे वैक्सीनेशन लगी थी, तो उसको लेकर काफी ऐड आपके पास आने लग गई थी कि इससे ये बेनिफिट होगा, या फैमिली प्लानिंग करने से ये बेनिफिट होगा, तो आइडियाज भी मार्केट किए जाते हैं। इसके अलावा प्लेस की भी मार्केटिंग होती है, जैसे आप ये देखेंगे कई बार आपको बोला जाता है विजिट आगरा इज द सिटी ऑफ लव, उदयपुर इज द सिटी ऑफ लेक्स। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप उस प्लेस को मार्केट करने की कोशिश करो कि वहाँ आए और वहाँ का जो है इनकम बढ़े, वहाँ पर आपके पास टूरिज्म बढ़े। इसके अलावा इवेंट्स की भी सेल परचेज होती है, अब दिवाली मेला के टिकट सेल होती है ना, म्यूजिक कॉन्सर्ट है तो उसमें आपके पास म्यूजिक कॉन्सर्ट्स की जो टिकट्स हैं वो सेल होती हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सन्स की बात करें, अब देखिए म्यूजिक कॉन्सर्ट में अगर कोई बहुत बड़े सिंगर आ रहे हैं तो उन सिंगर के नाम पर ही म्यूजिक कॉन्सर्ट भर जाएगा, दैट मीन्स पर्सन्स भी मार्केटेड होते हैं। तो अगर हम बात करें क्या चीज़ मार्केटेड होती है, तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है, अभी इसके अलावा और भी हो सकती है चीजें। फिजिकल प्रोडक्ट्स यानी पेन, नोटबुक, ये सब चीजें तो मार्केटेड होती हैं,
सर्विसेज भी मार्केटेड होती हैं, आइडियाज भी मार्केटेड होते हैं, प्लेस भी मार्केट होते हैं, इवेंट्स भी मार्केट होते हैं, पर्सन्स। यहाँ पे मैंने लिखा है वैसे इलेक्शन कैंडिडेट, आप देखेंगे जब इलेक्शन होता है तो जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके बेस पर मार्केटिंग की जाती है, उनके बेस पर जो है कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, राइट। तो अब हमें ये समझ आ गया कि मार्केट क्या होती है। तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी मीट, ठीक है ना। इसमें बायर्स, एक्चुअल बायर्स भी होते हैं, पोटेंशियल बायर भी होते हैं। आज के टाइम में बात करी जाए तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं कोई फिजिकल प्लेस होना चाहिए, ई मार्केटिंग भी आजकल हम लोग जानते हैं। फिर हमने देखा क्या चीज़ मार्केटेड हो सकती है, तो प्रोडक्ट्स मार्केट हो सकते हैं, सर्विस मार्केट हो सकती हैं, आइडियाज़ मार्केट हो सकते हैं, इवेंट मार्केट हो सकते हैं, पर्सन मार्केटेड हो सकते हैं। तो आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केटेड करी जा सकती हैं, जिनके बायर्स क्रिएट करे जा सकते हैं। अब हमारे पास सवाल उठता है कि मार्केटर कौन होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो सेलर होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या सर्विस का, जो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करेगा उसे हम मार्केटर बोलेंगे। तो एनी सेलर हु एनालाइज द नीड ऑफ द पोटेंशियल बायर, डेवलप द प्रोडक्ट एंड परसुएड, परसुएड का मतलब होता है उसे मना लेता है कि खरीदो तुम इसको, है ना। तो वो एडवर्टीजमेंट करे या किसी भी तरीके से आपको परसुएड कर लेगा कि आपको इस प्रोडक्ट की नीड है। तो मार्केटर वो सेलर है, वो मैन्युफैक्चरर है जो बायर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करता है और बायर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है कि तू ये प्रोडक्ट बाय कर, राइट। अब हम आते हैं कि मार्केटिंग क्या है। अब जब आप ये तीन शब्द समझ चुके हैं तो मार्केटिंग को समझना और आसान हो जाएगा। तो मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है, देखिए मार्केटिंग इज अ प्रोसेस। सबसे पहले देखो क्या लिखा है मैंने, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी ऑब्लिक समथिंग वैल्यू टू देम। दैट मींस मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग अपने आप में एक प्रोसेस है, यानी स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस है यहाँ पर, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग और फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग से आपको क्लियर हो जाएगा कि अपने आप में ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ती है। जहां पर पीपल लोग जो हैं गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करते हैं फॉर मनी या कुछ भी समथिंग वैल्यू टू दे, यानी पैसे के बदले में या तो आप खरीदारी करोगे या कुछ बार्टर सिस्टम आपने सुना होगा, आज भी चलता है ये बार्टर सिस्टम, अगर आपने देखा होगा तो बर्तन के बदले में कपड़े सुने होंगे आप लोगों ने। और आपने ये भी देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई खास इवेंट आता है तो कई कंपनीज जो है मोबाइल फोन वाली कंपनीज होती है खास तौर पे, वो आपको कहती है अपना पुराना फोन दीजिए, थोड़े से पैसे और डालिए और नया फोन लीजिए। तो वहां पर क्या आपने सारा का सारा पैसा नहीं दिया है ना, उनको कुछ ऐसी चीज दी जो उनके लिए वैल्यू करती है, समथिंग वैल्यू टू देम। तो मार्केटिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल एक्सचेंज, है ना, एक तरफ से पैसा आएगा दूसरी तरफ गुड्स एंड सर्विसेज चली जाएंगी, तो एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी या समथिंग वैल्यू टू देम, ठीक है ना। और ये मच ब्रॉडर कंसेप्ट है सेलिंग से, इसको सेलिंग मत समझिएगा, सेलिंग बहुत छोटी चीज है। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि मार्केटिंग को एक कीवर्ड में डिफाइन करो, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अगर आप मुझसे पूछे कि मार्केटिंग का कीवर्ड क्या है, तो मैं इसे सिंपल शब्दों में बोलूंगी कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सिंपल। ये शब्द बहुत अच्छे से मार्केटिंग को डिफाइन करता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाई करने की बात बोलते हैं तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत ब्रॉड आइटम है। अब कस्टमर सेटिस्फाई तभी होगा जब उसे सही क्वालिटी का माल रीजनेबल प्राइस पे, अफोर्डेबल प्राइस पे, सही समय पर, सही प्लेस पर पहुंच जाए, है ना। अब इसके लिए क्या जरूरी है कि जब आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तभी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी तो रॉ मटेरियल खरीदते वक्त ही होती है। फिर बनाने का प्रोडक्शन प्रोसेस भी सही होना चाहिए ताकि कॉस्ट कम से कम पड़े। फिर बेचने के बाद कस्टमर केयर सर्विसेज भी देनी पड़ेगी, यानी अगर उनके कोई ग्रीवेंसेज हैं, अगर उनके कोई फीडबैक्स हैं, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं प्रोडक्ट को लेकर, तो उसे ठीक करना, तभी कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। तो आप अगर समझेंगे तो मार्केटिंग पता है कहाँ से स्टार्ट हो गई, क्योंकि सारा काम मार्केटिंग का, मार्केटिंग मैनेजर का, तो मार्केटिंग का काम स्टार्ट हो गया। मार्केटिंग मैनेजर का काम बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है जब कच्चा माल खरीदा जाता है, और बेचने के बाद तक उसका काम रहता है, क्योंकि उसको कस्टमर की जो ग्रीवेंसेज हैं, कस्टमर की जो भी प्रोडक्ट को लेकर प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है, अदरवाइज कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट खरीद कर लाए, दो ही दिन बाद उसमें दिक्कत आ जाती है, अगर आपके पास कहीं पर उसको सॉल्व करने का कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा, वो प्रोडक्ट एज इट इज ही आपके पास है, तो आप खुद तो उस प्रोडक्ट को लेकर डिस्करेज हो गए ही होगे, 10 और लोगों को आप बोलोगे कि इस कंपनी का प्रोडक्ट आप मत खरीदो। तो आज के टाइम में आप बात करोगे तो कस्टमर केयर सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को लेकर प्रॉब्लम शेयर करते हो और वो आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और जहां पर आपके प्रोडक्ट्स को करेक्ट भी किया जाता है, रिप्लेस करा जाता है, करेक्ट किया जाता है, जो भी चीज होती है। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज अनदर वर्ड फॉर मार्केटिंग, राइट। तो मेरे पर्सपेक्टिव से अगर बात करेंगे तो मार्केटिंग मींस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और ऑब्वियसली कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक बहुत बड़ा वर्ड है। सेलिंग का काम तो सिर्फ इतना होता है माल बेच दो, उनका काम आफ्टर सेल का तो है ही नहीं, उनका काम है सिर्फ माल बिकना चाहिए, राइट। तो हम पढ़ेंगे भी मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। अभी हम पढ़ते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। तो अपने आप में ना एक तरीके का प्रोसेस है,
तो सबसे पहले लिखा है नीड्स एंड वांट। तो एक मार्केटर की काम क्या है, मार्केटर का जॉब क्या है, कि आपके जो भी टारगेट कस्टमर है, जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, उनकी नीड को आइडेंटिफाई करो, उनको क्या चाहिए। या तो आपके प्रोडक्ट में ही ऑलरेडी वो है और वो कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, या फिर वो आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में बट वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनकी कौन सी नीड अभी अनसेटिस्फाइड रह गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटर की जॉब क्या है, अ मार्केटर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द टारगेट कस्टमर, कि जो टारगेट कस्टमर है वो चाह क्या रहा है, और अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को डेवलप करना, सर्विसेज को तैयार करना, ताकि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। तो सबसे पहला काम क्या है, आइडेंटिफाई द नीड एंड वॉन्ट ऑफ द कस्टमर एंड अकॉर्डिंगली डेवलप द प्रोडक्ट। अब हमारा सेकेंड फीचर क्या आता है, क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग। अब आप उसको प्रोडक्ट ऑफर करोगे, यानी उसकी नीड को आपने एनालाइज करा और अकॉर्डिंगली आपने उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तैयार करा, डिफरेंट साइजेस में, क्वालिटी में, टेस्ट में। इसे बोलते हैं मार्केट ऑफरिंग। अब जैसे आप देखेंगे, अगर कैडबरी की चॉकलेट देखेंगे तो वो अलग अलग साइजेस में आती है, आप कोल्ड ड्रिंक्स देखेंगे तो वो छोटा साइज बड़ा साइज आता है, कई चीज़ों की क्वालिटी होती है। अब राइस देखेंगे तो राइस अलग अलग क्वालिटी में आपको मिलेगा, दालें अलग अलग क्वालिटी में मिलेंगी आपको। तो इसे बोलते हैं मार्केट ऑफरिंग, यानी क्वालिटी वाइज। अब आप फोन लेते हैं, फोन में भी होता है कि भाई कैमरा क्वालिटी इतनी होगी, इसमें इतने GB स्टोरेज होगी, तो ये जो चीज़ें हैं इसे बोलते हैं मार्केट ऑफरिंग, यानी प्रोडक्ट को डेवलप करना, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में तैयार करना, हो गया। देन क्रिएट मार्केट ऑफरिंग विच इंक्लूड कंप्लीट ऑफर, उसका साइज, उसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट, जो भी आपने देना है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे आप एक फोन के साथ 16 GB का मेमोरी कार्ड फ्री दे रहे हो, दैट इज व्हाट मार्केट ऑफरिंग। तो पहले आपने नीड एंड वांट एनालाइज करी, फिर आपने प्रोडक्ट तैयार करा, उसकी साइज, क्वालिटी, टेस्ट, उसके साथ जो भी ऑफर अटैच करना है वो कर दिया। उसके बाद आपने उसकी प्राइसिंग करी, और प्राइसिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि कस्टमर को लगे कि मुझे उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो प्राइस पेड के इक्वल है। तो प्राइस पेड शुड बी इक्वल टू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तभी वो अगला स्टेप करेगा, एक्सचेंज मैकेनिज्म, राइट। तो अपने प्रोडक्ट का प्राइस इस तरीके से रखो कि आपके पास कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए। द जॉब ऑफ द मार्केटर, एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट सो द कस्टमर प्रेफर्ड टू द कंपनी प्रोडक्ट, मतलब कुछ ऐसा एड ऑन करो ताकि वो बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करे। और लास्ट स्टेप क्या होगा, एक्सचेंज मैकेनिज्म। अगर उसे लगेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेरी जो मैं प्राइस पे कर रहा हूँ उससे जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है, वो एकदम बराबर है, तो डेफिनेटली मैं इस प्रोडक्ट के पेमेंट करके इस प्रोडक्ट को अपने पास ले आऊँगा। तो इसमें दो पार्टीज होती है एक्सचेंज मैकेनिज्म में, बायर और सेलर। बायर प्रोडक्ट को बाय करता है, बदले में पेमेंट करता है, सेलर गुड्स एंड सर्विसेज का पोजेशन जो है, ऑनरशिप जो है, वो बायर को ट्रांसफर कर देता है। तो क्या फीचर्स थे, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला फीचर क्या था हमारे पास, नीड एंड वॉन्ट को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद प्रोडक्ट को तैयार करना, डेवलप करना, जिसमें उसकी साइज, क्वालिटी, टेस्ट, उसके साथ क्या फ्री दे रहे हैं, सब चीजें तैयार करो, फिर उसका प्राइस तय करो, और ध्यान रखो कि उसका प्राइस तय करते वक्त कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का भी ध्यान रखना है। और फिर लास्ट स्टेप, अगर कस्टमर को लगेगा कि आपका प्रोडक्ट वर्दी है तो एक्सचेंज मैकेनिज्म हो जाएगा, यानी गुड्स जो है वो सेलर से बायर के पास चले जाएंगे और बायर से सेलर के पास उसकी वर्थ की मनी चली जाएगी, राइट। अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। चलिए अब हम इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, क्या फंक्शंस है मार्केटिंग के, क्या मार्केटिंग मैनेजर को क्या काम करना पड़ता है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहला काम है गैदरिंग, यानी इकट्ठी करना और एनालाइज करना मार्केट इन्फॉर्मेशन। अब मार्केट इन्फॉर्मेशन में क्या आता है, कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन सी जो है प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, क्या चीज़ें कस्टमर्स की हैं जो भी सेटिस्फाइड नहीं है, आपके प्रोडक्ट में क्या ड्रॉबैक्स हैं जो कस्टमर को नहीं पसंद आ रहे, या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स क्या स्ट्रैटेजी लेकर आने वाले हैं। तो मार्केट इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का मतलब है बिजनेस एनवायरमेंट को एनालाइज करना, जो कि हमने फर्स्ट बुक में पढ़ा है, और उसी के अंदर हम करते हैं स्वॉट एनालिसिस। ये स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, अपनी स्ट्रेंथ देखो, अपनी वीकनेस देखो, ये आपका इंटरनल होता है। स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसा है आपका, इंटरनल, ठीक है ना, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आपको बाहर से मिलता है। अपॉर्चुनिटी क्या हुई, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आपके प्रोडक्ट के फेवर में पॉलिसीज लाने वाली है। थ्रेट क्या है, कंपटीशन ओपन होने वाला है, यानी कोई भी पर्सन अब बिना लाइसेंस लिए भी इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकता है जिस इंडस्ट्री में आप हो, तो ये थ्रेट है, कॉम्पिटिशन आना थ्रेट है आपके लिए, ठीक है ना। और अपॉर्चुनिटी क्या होती है, गवर्नमेंट आपके फेवर के लिए पॉलिसी लेकर आने वाली है। तो दिस इज व्हाट आपको सबसे पहले मार्केट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। देखिए कभी भी कोई भी प्लानिंग करने से पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जो फर्स्ट बुक है ना उसमें भी आपको प्लानिंग चैप्टर से पहले बिजनेस एनवायरनमेंट इसलिए पढ़ाया गया है क्योंकि प्लानिंग करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पहली बार आप वर्ल्ड टूर के लिए जा रहे हैं, आपने बहुत मेहनत से पैसा जोड़ा है,
अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्लान करेंगे कि मैं कौन कौन सी कंट्री, जैसे मान लीजिए कि आपने एक वर्ल्ड टूर, पूरा वर्ल्ड टूर में आपके पास 10 कंट्रीज है फॉर एग्जांपल, तो कौन सी कंट्री कैसे विजिट करें ताकि आपका कम से कम खर्चा हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सा जो है बेनिफिट ले सके घूमने का। तो प्लानिंग तभी होती है जब आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो आप हर कंट्री के वेदर के बारे में, हर कंट्री की गवर्नमेंट के बारे में, हर चीज़ों के बारे में, वीज़ा लगता है नहीं लगता, उन सबकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। जितनी अच्छी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी उतनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी, राइट। तो सिमिलरली गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, तो पहला स्टेप क्या करना है मार्केटिंग मैनेजर को, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है अपने कस्टमर के बारे में, अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, इन्फॉर्मेशन गैदर करो, स्वॉट एनालिसिस करो। और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप डेफिनेटली ही होता है कि मार्केटिंग प्लान डेवलप, ठीक है ना। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन टू डेवलप एप्रोप्रिएट प्लान टू अचीव द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, तो जिस पर्पज के लिए आप मार्केटिंग मैनेजर बने हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्लान डेवलप कर दो। चलो मार्केटिंग प्लान भी बन गया, फिर आ जाते हैं प्रोडक्ट पर। तो फिर थर्ड स्टेप होता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब देखिए इन दोनों को मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूंगी। प्रोडक्ट डिजाइनिंग क्या है कि अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी डिजाइन तय करना। अब देखिए कई बाइक्स होती हैं, अब वो अट्रैक्टिव इसलिए होती हैं कि कई बार बैठने की जगह बहुत कम होती है, लेकिन अट्रैक्टिव इसलिए होती है उनका डिजाइन बहुत अच्छा है ना। अब आप फोन देखेंगे तो कोई कर्वी होते हैं, कोई स्ट्रेट होते हैं, तो डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चाहे आप बाइक्स की बात करें, चाहे आप मोबाइल फोन की बात करें, चाहे आप पेन की बात करें, चाहे आप किसी और चीज़ की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका डिजाइन क्या होगा। तो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग तय करना। डेवलपमेंट का मतलब क्या है, अगर आपका डिजाइन ऑलरेडी मार्केट में है उसमें और नए इंप्रूवमेंट करने को हम डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गुड डिजाइन अट्रैक्ट करता है कस्टमर को। आप दूर से ही देखोगे वो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर जाएगी। कोई साइकिल है उसका डिजाइन बहुत बढ़िया तो आपको अट्रैक्ट कर जाएगा। जनरली क्या होता है जब हम बच्चों के खिलौने लेने जाते हैं टॉयज, तो कई बार टॉयज खास एक्टिव नहीं होते, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जो उनका डिजाइनिंग बनाया जाता है, वो बहुत अच्छा बनाया जाता है, राइट। अब आप देखिए किंडर जॉय का डिजाइन कितना सुंदर बनाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो प्रोडक्ट को डिजाइन करना, और अगर आपका ऑलरेडी डिजाइन है तो उसमें कुछ नया एड ऑन करना, दैट इज वॉट डेवलपमेंट। तो बहुत जरूरी होता है कि आप प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन करें जो आपकी परफॉर्मेंस को डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। तो सबसे पहले आपने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, फिर आपने प्लान तैयार कर लिया, फिर प्रोडक्ट का डिजाइन या फिर डेवलपमेंट अकॉर्डिंगली आपने कर लिया। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। तो ये दोनों बहुत डिफरेंट वर्ड है, ध्यान से सुनेंगे हम, ठीक है, क्योंकि आपको केस स्टडीज में पहचानने को आता है। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है बेंचमार्क या प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन। यही क्वालिटी का माल होना चाहिए, इसी प्राइस पे बिकना चाहिए। अब जैसे आप एग्जांपल के तौर पे मैकडॉनल्ड का बर्गर खाएं, अगर आप दिल्ली में खाएं, बेंगलोर में खाएं या चेन्नई में खाएं, कहीं पे भी खाएं, उनके आउटलेट पर जो सामान आता है उसकी क्वालिटी फिक्स है। उसका जो बंद होता है वो सेम होगा, उसमें जो टिक्की है उसका जो कंटेंट है उसमें सेम है, जो कैचअप है वो सेम जगह से आती है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है सिमिलैरिटी दिखना, तब फिक्स कर देना कि यही बेंचमार्क होना चाहिए, इससे ना कम ना ज़्यादा, है ना। तो स्टैंडर्डाइजेशन रेफर टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन लाइक क्वालिटी, प्राइसिंग एक्सेट्रा। जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जितने भी आप अगर आप ब्रिटानिया की ब्रेड लेंगे या बिस्लेरी की बॉटल लेंगे, तो उसका पानी का टेस्ट आपको हर जगह सेम मिलेगा, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड फिक्स है कि यही जो है इतना ही तरीके का आपके पास पानी होना चाहिए, ब्रेड ऐसे ही होनी चाहिए। दैट इज वॉट स्टैंडर्डाइजेशन, बेंचमार्क तय करना, प्री डिटरमाइंड फिक्स कर देना। नाउ व्हाट इज ग्रेडिंग? ग्रेडिंग मीन्स क्लासिफिकेशन, ध्यान से सुनिएगा। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, जैसे आपने टाटा टी देखी होगी तो उसमें लिखा होता है रेड लेबल, ग्रीन लेबल, ठीक है, और नॉर्मल। तो ये लेबलिंग का क्या पर्पस होता है, वहां पर अगर आपने लिखा है ब्लैक लेबल तो वो ब्लैक टी है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, ये क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है ताकि कस्टमर आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है ना। तो ग्रेडिंग का मीन्स क्या होता है, प्रोडक्ट को उसके कलर, क्वालिटी और साइज के बेसिस पे क्लासिफाई करना। आप एक राशन की दुकान में जाते हैं, चावल पूछते हैं, चावल की तीन बोरियां पड़ी हैं, एक को बोलता है वो 100 रुपीस केजी है, एक बोलता है 200 केजी, एक 50 रुपीस केजी है। तो यहाँ पर क्वालिटी वाइज उसने ये रेट अलग अलग रख रखे हैं, ठीक है। तो अब चॉकलेट देखिए कैडबरी की, छोटी वाली आपको 10 रुपीस की भी मिल जाएगी, बड़ी वाली आपको 100 रुपीस की भी मिलेगी। तो क्वालिटी वाइज, साइज वाइज, कलर वाइज, या जैसे अभी हमने आपको टाटा टी का एग्जांपल दिया, ग्रीन लेबल, ब्लैक लेबल जो लगा हुआ है, वो ग्रेडिंग है, क्लासिफिकेशन है। और ये क्लासिफिकेशन मेंशन करना जरूरी है। अब आप एक एग्जांपल के तौर पर अगर जो टी है उसमें कोई ग्रेडिंग ना करे तो हमें कैसे पता चलेगा अंदर ब्लैक टी है या ग्रीन टी है या नॉर्मल टी है। तो ग्रेडिंग आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करती है
कलर आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, राइट? तो आपके पास ग्रेडिंग मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ क्वालिटी, कलर एंड साइज. इसके अलावा आपको मैकडोनल्ड का अगर आप बर्गर लेंगे, तो अगर आप वेज बर्गर लेंगे तो उसका ग्रीन कलर का रैपर है, और अगर आप नॉनवेज कलर का बर्गर लेंगे तो उसका कलर थोड़ा सा ऑरेंजिश रेड कर रखा उन्होंने. तो दिस इज व्हाट कलर के बेस पे क्लासिफिकेशन करना, मतलब वेज नॉनवेज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना. तो ग्रेडिंग मीन्स क्लासिफिकेशन, कीवर्ड है इसका. तो स्टैंडर्डाइजेशन का कीवर्ड है बेंचमार्क, ग्रेडिंग का कीवर्ड है क्लासिफिकेशन. फिर आती है हमारी पैकेजिंग और लेबलिंग. पैकेजिंग का मेन काम क्या है? पैकेजिंग का मेन काम सिर्फ प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना है और उसके हाइजीन को मेंटेन करना है, ताकि वो खराब ना हो. प्रोटेक्ट करना और हाइजीन मेंटेन करना. जबकि लेबलिंग का मतलब क्या होता है? लेबलिंग का मतलब होता है जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, जो आपको गवर्नमेंट ने, लॉज ने बता रखा है कि आपको लिखना ही लिखना है, वो लिखना है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप मिठाई खरीदने जाते होंगे, नॉर्मल सी बात है, आप मिठाई का डब्बा लाते हैं, मिठाई के डब्बे पे मिठाई कंपनी का नाम तो लिखा होता है, मतलब उस जो भी हलवाई होगा उसका नाम तो लिखा होगा, लेकिन कभी ये नहीं लिखा होगा कि रसगुल्ले के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं जनरली, है ना. मैं ऑलवेज कभी नहीं बोलती, तो इसलिए याद रखना एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है ना. तो आप मिठाई का डब्बा खरीदेंगे तो जो मैंने अब तक देखा है तो मिठाई के डब्बे पे कभी भी इंग्रेडिएंट नहीं लिखा होगा, लेकिन अगर आप लेज के चिप्स के पैकेट लेंगे या कोई भी और बिस्किट के पैकेट लेंगे तो उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी कि उसका वेज है, नॉन वेज है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कब एक्सपायर होगा, कौन सी क्या डेट है, फीडबैक कहाँ डाल सकते हैं. तो दैट इज लेबलिंग, ठीक है. तो सिर्फ पैकेट में पैक कर देना, एक रैपर में पैक कर देना, प्लेन से अगर आप गोल्डन कलर के रैपर में पैक कर दोगे तो वो क्या है आपके पास? पैकेजिंग, जो उसको प्रोटेक्ट करती है, उसका हाइजीन मेंटेन करती है. जबकि लेबलिंग में क्या है? जो गवर्नमेंट के द्वारा जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन की जाती है, राइट. फिर आता है हमारे पास ब्रांडिंग, जिसको लोग गलत तरीके से समझते हैं. ब्रांडिंग को लोग कंफ्यूज करते हैं गुडविल के साथ, जबकि ये नहीं है. ब्रांडिंग का मतलब है कोई भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन, ये है इसका कीवर्ड, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन. अपने प्रोडक्ट को जेनरिक प्रोडक्ट से अलग करना, ये क्या बोल दिया मैम? मैं बताती हूँ. मैं आपको कहूँ पेन ले आओ, तो आप कोई भी पेन उठा के ले आओगे, है ना. मैंने आपको कहा पेन ले आओ, कोई भी पेन उठा के ले आओगे, रेड, ब्लू, ये भी नहीं बताया कौन सी कंपनी का, ये भी नहीं बताया. अब मैं आपको कहूँ नहीं भाई, मुझे तो यही वाली कंपनी का ब्लैक पेन चाहिए, तो अब क्या है यहाँ पर? मैंने स्पेसिफिकेशन मेंशन कर दी. तो जेनरिक क्या हुआ? पेन ले आओ, है ना. तो यहाँ मैं कहूँ फोन ले आओ, तो ये जेनरिक है, फोन जेनरिक है, पेन जेनरिक है. मैं कहूँ नहीं, मुझे तो इस कंपनी का यही वाला पेन चाहिए, तो वो क्या हो गया? ब्रांडिंग हो गया. तो अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन देना, वो नाम भी हो सकता है, वो सिंबल भी हो सकता है, वो मार्क भी हो सकता है, बस अपने प्रोडक्ट को जेनरिक प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट करना, दैट इज वॉट ब्रांडिंग ऑल अबाउट, राइट. जैसे कोई भी आप देखिए, नाइकी है, उसने नाम दे रखा है, सैमसंग है फोन. अब मैं कहूँ फोन ले आओ, तो सैमसंग का लाना है या एलजी का लाना है, एचटीसी का लाना है, या एमआई का लाना है, एप्पल का लाना है, बताएंगे ना. ये क्या है? ये आपके पास ब्रांडिंग है, मतलब नेम दिया हुआ है आपने, सिंपल दिए हुए हैं आपने अपने प्रोडक्ट को जेनरिक प्रोडक्ट से अलग करने के लिए. हाँ, जब यही जो कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी क्वालिटी और कस्टमर के साथ लॉयल होती है, कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल कराती है, तो यही ब्रांड जो होती है वो नोन हो जाती है, तो ये गुडविल में क्रिएट हो जाती है, राइट. तो अभी तक हमने 6 फंक्शन पढ़े हैं, इसमें हमने 12 टोटल हैं, जिसमें से 6 फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब आता है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट. तो अब हमें क्या तय करना है? प्रोडक्ट का प्राइस. और प्रोडक्ट का प्राइस तय करते वक्त हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है कि फर्म को कॉस्ट कितनी पड़ी है, मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, फर्म का ऑब्जेक्टिव कैसा है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो है तय करना है. और एक बात याद रखना, इसमें 2 तरीके की स्ट्रैटेजी फॉलो करी जाती है, शायद हम आपको आगे भी बताएंगे. एक होगी आपके पास स्कीमिंग स्ट्रैटेजी और एक होगी पेनिट्रेटिंग स्ट्रैटेजी. इन दोनों में फर्क है. स्कीमिंग का मतलब सुकड़ जाना, मतलब पहले कंपनी क्या करेगी? प्राइस हाई रखेगी, धीरे 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 क्या करती जाएगी? लो करती जाएगी. पहले हाई प्राइस फिर लो. अब जैसे आप कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट ले लीजिए, उसको पहले हाई रखा जाता है, फिर धीरे 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 कम कर दिया जाता है. दैट इज व्हाट स्कीमिंग स्ट्रैटेजी. पेनिट्रेटिंग स्ट्रैटेजी, अभी घुसना है, एंट्री करनी है हमें मार्केट के अंदर, तो हम लो प्राइस रखेंगे, ऑब्वियसली इसका अपोजिट. फिर धीरे धीरे जब कस्टमर बेस बनता जाएगा तो प्राइस को क्या कर देंगे? हाई कर देंगे. दैट इज व्हाट पेनिट्रेटिंग स्ट्रैटेजी, राइट. इसके बाद हमारे पास प्राइसिंग के बाद आता है प्रमोशन. अब आपने प्रोडक्ट तैयार कर लिया, पैकेजिंग, लेबलिंग सब कुछ हो गया, अब जरूरी है कि परसुएड करो कस्टमर को, इन्फॉर्म करो कस्टमर को कि आपका ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन के तो बात नहीं बनेगी. अब प्रमोशन के लिए बड़े सारे टूल्स का इस्तेमाल करा जाता है, एडवर्टाइजिंग हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, पब्लिक रिलेशन हो गया. तो इन सब जरियों का इस्तेमाल करा जाता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए. एडवर्टाइजमेंट तो आप लोग जानते हैं, सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट ऑफर कर देना, रिबेट ऑफर कर देना, यानी लालच देना, सिंपल शब्दों में अगर आप बोलेंगे. पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है? घर घर जाके बेचना, जो कि अब कम फेमस है लेकिन अभी भी कई प्रोडक्ट में यूज होता है.
पब्लिक रिलेशन में क्या आता है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अब जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं, जनरली आपको एडवर्टाइज करते हुए नजर नहीं आएंगे, ये एक जो है न्यूज़ चैनल्स के साथ या ऐसे चैनल्स के साथ जो कि प्रोडक्ट्स को लेकर काफ़ी वीडियोस बनाते रहते हैं, उन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं, वही लोग अपने आप इनके प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं। तो दैट इज़ व्हाट प्रमोशन, यानी अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना, और इनडायरेक्टली आप कस्टमर को क्या करते हो, परसुएड करते हो, मनाते हो कि उनके प्रोडक्ट को खरीदा जाए। और फिर उसके बाद आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमें ये डिसाइड करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से हमारे खुद के शोरूम में बिकेगा या बीच में होलसेलर और रिटेलर भी आएंगे। तो डिपेंड करता है कि आपने कैसा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चूज करना है, इसको हमने और डिटेल में पढ़ना है। तो जैसे आप बाटा शोरूम है, उसकी डायरेक्ट फैक्ट्री से माल के खुद के उसके शोरूम में बिक रहे हैं, तो वो डायरेक्ट फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो बीच में किसी को नहीं ले रहा है ना, तो उसको बोलते हैं जीरो लेवल चैनल। लेकिन अगर कोई भी कंपनी है वो मैन्युफैक्चरर से पहले होलसेलर को जाता है, होलसेलर से रिटेलर को जाता है, रिटेलर से कस्टमर को जाता है, जो कि जनरली प्रोडक्ट इससे जाते हैं, तो ये अपना अलग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यानी आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे पहुंचाओगे, उसको हम बोलते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इसके अलावा हम इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें आप ये डिसाइड करोगे कि जो फिजिकल मूवमेंट है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है और जहाँ पर उसकी डिमांड है, उसे कैसे पहुँचाया जाएगा, यानी आप किस तरीके का मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करोगे, बाय रोड, बाय रेल, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, राइट। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि वेयरहाउस आपको बाय करना है या वेयरहाउस आपको रेंट पे लेना है। आपको प्रोडक्ट स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि दैट इज वेरी ऑब्वियस कि प्रोडक्शन और बिकने के टाइम में फर्क होता है ना, तो वो चीज़ का हमें ध्यान देना ही होता है। तो उस दौरान अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट काफ़ी टाइम तक रुकता है, तो वेयरहाउस आपको बाय करना है या रेंट पे लेना है, वो आपको डिसाइड करना है वेयरहाउस में। और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, प्रोडक्ट बिकने के बाद भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसके सॉल्यूशंस के लिए, उनकी कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज इस्टेब्लिश होनी चाहिए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में हैं, क्योंकि यही एक पॉइंट है जो कस्टमर को सेटिस्फाई करता है अगर वो एक पॉइंट पर डिससेटिस्फाइड होता है। तो आप देखेंगे आधे घंटे के अंदर हमने एक घंटे के लेक्चर को कंप्लीट करा है, और होपफुली आपको समझ भी आया हो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं इसके। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ इन्हें शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग योर क्लासेस।